हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी प्यारे से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स को भी वो कैप्स में प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ 2019 में रिपीट होने वाले सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स। पहले मैंने इडियम्स फ्रेज कराए, फिर मैंने सिनोनिम्स कराए, आज मैं करा रहा हूँ आपके लिए एंटोनिम्स के क्वेश्चन। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस, ये सारे जब आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम लो, चाहे उसमें डिफेंस में एक्स और बाई ग्रुप, डबल ए, SSR, NDA, CDS, आर्मी क्लर्क, वो कैप सब में रिपीटेड आते हैं, लेकिन कौन से कितने रिपीट होते हैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती है सुबह 10 बजे वो कैप की, उसमें भी मैं वही वर्ड कराने की कोशिश करता हूँ जो रिपीट होते हैं और जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जिनके आने के चांसेज होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब लंबे समय का एक्सपीरियंस किसी को हो जाता है ना, तो अपने दिल से एक आवाज़ आने लगती है कि भाई ये क्वेश्चन आने लायक है, और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। और यकीनन ऐसा कई बार हुआ भी है कि वो क्वेश्चन आए भी है। तो गुड इवनिंग सभी को, सबको प्यार भरा नमस्कार। जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सकें। बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। आज का मोटिवेशन है कि आप लोग मार्केट में हमेशा एक अच्छी किताब की तलाश करते हो, मार्केट में हमेशा एक अच्छी किताब ढूंढते रहते हो। हमसे भी अक्सर पूछते हो कि सर अच्छी किताब बता दो, तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। मैंने हमेशा कहा कि अगर आपको दुनिया की सबसे अच्छी किताब चाहिए, सबसे अच्छी किताब चाहिए, तो खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी किताब होगी। बात करते हैं आज की। क्लासेस तो आप लोग अब याद हो गई होंगी, और शायद हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा अब इन चारों क्लासेस को नहीं देखता होगा। सब लोग देखते होंगे सुबह 10 बजे वो कैप की बात करें, 10:30 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें, और 7:30 बजे CHSL की क्लास की बात करें, और 8 बजे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहला एंटोनिम आपके सामने, आज हम आपको 10 एंटोनिम कराने वाले हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का आपको एंटोनिम बताना। आपके पास ऑप्शन है एनर्जी, इंटेंसिटी, वेहीमेंस, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेंथ। तो आपको फ्रेलिटी का अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। फ्रेलिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कमजोरी। फ्रेलिटी का मीनिंग क्या होता है? कमजोरी। तो इसका अपोजिट तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूती। तो कमजोरी का अपोजिट मजबूती। एनर्जी, ऊर्जा, इंटेंसिटी, पहुंच कह सकते हैं, इंटेंसिटी, पहुंच कह सकते हैं, दबाव भी कह सकते हैं। वेहीमेंस की बात करें तो वेहीमेंस का मतलब होता है उत्साह। तो कमजोरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? मजबूती हो जाएगा। ये आपका रहा एंटोनिम। बात करते हैं वर्ड नंबर टू की। वर्ड नंबर टू आपके सामने है फ्लेयर, और फ्लेयर का भी आपको बताना है अपोजिट। ऑप्शन है स्प्रीडिंग आउटवर्ड, इनएबिलिटी, स्पॉटलाइट, और आपके पास अपना अगला ऑप्शन है टेस्ट। तो फ्लेयर का पेन भी आता है, फ्लेयर का आपको एंटोनिम बताना है। फ्लेयर का एंटोनिम बताना है। देखो, फ्लेयर का मीनिंग होता है जो अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती ना, विशेष योग्यता जिसे कहते हैं, विशेष योग्यता जिसे कहते हैं, उसके लिए हम इस फ्लेयर वर्ड का यूज करते हैं। तो ये हो गया स्प्रेडिंग आउटवर्ड, मतलब चीजों को खराब करना, बुरा करना, नेगेटिव चीजों की तरफ धकेलना। इनएबिलिटी होता अयोग्यता। देखो, योग्यता का योग्यता हो सकता है, लेकिन विशेष योग्यता का योग्यता नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, स्प्रेडिंग आउटवर्ड तो बेकार हो गया, इनएबिलिटी ही सही होगा। इनएबिलिटी, क्योंकि विशेष योग्यता और इनएबिलिटी, ये योग्यता रहेगा। ये स्प्रेडिंग आउटवर्ड मतलब चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाना। तो सॉरी अबाउट दैट, आंसर ए नहीं, आंसर आपका बी होगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आंसर इसका ए नहीं, आंसर इसका क्या होगा? इनएबिलिटी। वो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा स्प्रेडिंग आउटवर्ड कर देता हूँ, दिखने में बड़ा है, उसको सही कर देता हूँ, ठीक है। स्पॉटलाइट की बात करें तो स्पॉटलाइट के मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो चीज़ चर्चा में रहती है उसे कहते हैं स्पॉटलाइट, और टेस्ट का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हो। बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड आपके सामने एसेस्टिज्म। एसेस्टिज्म की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन है कंफर्ट, लग्जरी, एंटीसिमिटिज्म और ह्यूमिलिटी। इसका भी आपको एंटोनिम देना है, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन एंटोनिम से रिलेटेड है। एसेस्टिज्म की बात करें तो जो सन्यासी टाइप का जीवन जीता है, बाबा बैरागी टाइप का जीवन जीता है, उसे हम कहते हैं एसेस्टिज्म।
अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो लग्जरी जीवन जीता हो, राजशाही वैभवशाली जीवन जीता हो, कंफर्ट आराम होता है, एंटी सिमिटिज्म होता है धर्म से हटके, वैसे तो कहेंगे गैर यहूदी, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, यहूदी, यहूदी एक धर्म है दुनिया में, तो यहूदी धर्म से हटके जो लोग होते हैं वो एंटी सिमिटिज्म कहलाते हैं। ह्यूमिलिटी की बात करें तो आसान वर्ड है, आप लोग समझते ही हैं। तो देखो एसेसिटिज्म का मतलब क्या होता है, सन्यासी, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लग्जरी उसका अपोजिट हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग अगले वर्ड की, अगला वर्ड आपके सामने अननर्व्ड, कौन सा वर्ड है, अननर्व्ड, ऑप्शन आपके पास है उसके लिए कॉन्फिडेंट, नर्वस, होपफुल और एनेक्सियस, इसका भी आपको एंटोनिम देना है। तो अननर्व्ड का मतलब होता है जो इंसान विश्वास अपना खो चुका हो, जो मतलब निरुत्साही हो चुका हो, हतोत्साहित हो चुका है, जिसका विश्वास टूट चुका हो, सारी चीज़ें मतलब जिसे कहेंगे हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब समझते हो, जो बिल्कुल भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना रहा हो, तो कॉन्फिडेंट इसका एक अपोजिट वर्ड कर सकते हैं। नर्वस वर्ड आप लोग जानते हो, होपफुल, एनेक्सियस, एनेक्सियस चिंतित, होपफुल आशावादी, नर्वस जो संकित रहता है, परेशान हो जाए या फिर जल्दी चीजों के बारे में डर जाए, तो उसे हम नर्वस वर्ड से रिलेट करते हैं। अगली स्लाइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं प्लस पर और यूट्यूब पर 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में सारे कोर्सेस लॉन्च हो जाएंगे। अब आपके पास मौका है कि इन कोर्सेस में एनरोलमेंट करके आप सिलेक्शन की तरफ ले जाते हो, या केवल तैयारी करके आप बैठना चाहते हो। अगर सिर्फ तैयारी करना चाहते हो तो जो पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो काफ़ी है, अगर सिलेक्शन लेना तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल सकती है। ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 में आपको कोर्स मिल जाएगा, 4, 5, 6,000 को रुपए अगर 7,000 के आसपास खर्च कर दिए तो एक साल का कोर्स मिल जाता है। क्योंकि आप अगर इस रेफरल कोड वाईफाई डिफेंस का यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ढेर सारे कोर्सेज, ढेर सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पिछले 1 से 1.5 साल से अगर एनालिसिस किया जाए, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा कि अनअकैडमी बहुत तेजी से उभर के आया, एक सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म बन गया, क्योंकि यहां पर जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है उन पर फोकस किया जाता है और वो आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं अगले वर्ड की, अगला वर्ड आपके सामने है जोकुलर, और जोकुलर की बात करें तो जोकुलर मतलब जो हसमुख टाइप का होता है, खुश दिल होता है, ठीक है, खुश दिल जो होता है उसके लिए हम जोकुलर वर्ड का यूज़ करते हैं, और मोरोज आपका हो जाता है दुखी, मोरोज क्या हो जाता है, जो दुखी हो जाता है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो जगलर वर्ड है ये गले से रिलेटेड होता है, और ये जो जगलर होता है ये जादूगर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, और मैरी क्रिसमस तो अभी 4 दिन पहले आप लोग बोल ही रहे थे, तो मैरी मतलब खुशियाँ होता ही है। बात करते हैं अगले वर्ड की, अगला वर्ड आपके सामने है जो है झील, और झील का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, झील का मतलब क्या होता है, उत्साह, एनर्जी, तो इसका भी आपको एंटोनिम देना। और एपेथी का मतलब होता है घृणा, मतलब उत्साह खत्म हो जाना, किसी चीज़ में जब आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप उसमें जोश जुनून जज्बा दिखा सकते हो। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें आप किसी का पक्ष ना लें, भेदभाव रहित जिसे कहेंगे, भेदभाव रहित जिसे कहेंगे, जहां पर किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का आप भेदभाव ना करें। केयरलेसनेस और हेट्रेड आसान वर्ड है, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट भी इस सेशन को इस टाइम लाइव देख रहे हैं उन सभी से गुजारिश है कि सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैंने आपके प्रॉमिस को पूरा किया। 2019 में जो वर्ड सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, चाहे हम बात करें सिनोनिम की, एंटोनिम की, वन वर्ड की, सभी मैंने आपको कराने की कोशिश की है। बात करते हैं अगले वर्ड की, अगला वर्ड आपके सामने है वर्ड नंबर 7, और ये है डिस्क्रेशन। अगला वर्ड कौन सा है, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है कंस्क्रेशन, डिस्करेजमेंट, डिस्पोंडेंसी और एक्सपेक्टेशन, इसका भी आपको एंटोनिम देना। ये वर्ड मोस्टली आपके मिस स्पेल्ट में भी पूछे जाते हैं, जिनकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है वो आपके मिस स्पेल्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है अपवित्रता, इसका मतलब क्या होता है, अपवित्रता, और कंसिग्रेशन का मतलब होता है पवित्रता,
इसका मतलब क्या होता है? पवित्रता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। डिस्करेजमेंट आप जानते हो, जब किसी के उत्साह को दबाने की कोशिश की जाए, जब किसी के एनर्जी को दबाने की कोशिश की जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं। डिस्पोंडेंसी भी होता है अवसाद, जो परेशान रहता है, जो डिप्रेशन में चला जाए। एक्सपेक्टेशन आप जानते ही हो क्या होता है, उम्मीद। बात करते हैं वर्ड नंबर 8 की, तो वर्ड नंबर 8 आपके सामने है सिमरिंग। सिमरिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है ग्लूमी, आपके पास ऑप्शन है ग्लिमरिंग, रिफ्रेशिंग और रिपाइनिंग। आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड हैं। तो सिमरिंग की अगर हम बात करें तो सिमरिंग का मतलब होता है खुश होना या जगमगाहट। जगमगाहट भी कह सकते हैं और खुश होना भी कह सकते हैं, ठीक है, खुशी भी कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ग्लूमी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। जब कोई इंसान हो जाता है कैसा, उदास। ग्लिमरिंग की अगर हम बात करें तो जो मंद मंद प्रकाश होता है ना, हल्की हल्की रोशनी होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लिमरिंग। रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी भरा। और रिपाइनिंग की अगर हम बात करें तो रिपाइनिंग का मतलब होता है किसी की शिकायत करना। रिपाइनिंग का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। तो याद रखिएगा इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह की चीज़ों को, चाहे हम ग्लूमी की बात करें, ग्लिमरिंग, रिफ्रेशिंग और रिपाइनिंग, सबकी मीनिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। वर्ड नंबर 9 की बात करें तो वर्ड नंबर 9 आपके सामने है मेलोडियस। कौन सा वर्ड है, मेलोडियस। और मेलोडियस की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है हारमोनियस, टूनलेस, ओडियस और मेलिफुलस। ये भी अच्छा वर्ड है, इसका भी आपको एंटोनिम देना है मेलोडियस का। तो मेलोडियस की बात करें तो मेलोडियस का मतलब होता है जो चीज़ मधुर होती है, मतलब सुनने में अच्छी लगे। मेलोडी सुनते होंगे, गाना के लिए यूज करते हैं। तो इसका टूनलेस हो जाएगा, मतलब जिसकी ध्वनि ना हो, जिसमें कोई मधुरता ही ना हो। हारमोनियस भी मधुर होता है, हारमोनियस भी क्या होता है, मधुर होता है। ओडियस की बात करें तो ओडियस घृणित होता है, ओडियस क्या होता है, घृणित होता है। और मेलिफुलस की बात करें तो इसका मतलब भी होता है मधुर, अच्छा लगना। तो ये सिनोनिम तो हो सकता था बट एंटोनिम नहीं। अगर इन वर्ड को याद रखने की ट्रिक आपको चाहिए तो सुबह जो 10 बजे अपना सेशन होता है ना 10 AM, उन सेशंस को आप देख सकते हो और वहाँ से तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं अपने अंतिम वर्ड की। अंतिम वर्ड अपने सामने है ट्रिबियल। अंतिम वर्ड कौन सा है, ट्रिबियल। और इसके भी आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन है सीरियस, वायलेंट, वाइल्ड और अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिबियल का आपको एंटोनिम बताना है। अच्छा वर्ड है। देखिए ट्रिबियल की मीनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रिबियल का मतलब होता है हल्का या छोटा, या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो हम, हल्का या छोटा या कम सोचना समझना, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सीरियस इसका एक एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरियस को इसका एंटोनिम। वायलेंट हिंसक, वाइल्ड भी मतलब जंगली टाइप का हो, अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपको कराए 2019 में रिपीट होने वाले सबसे ज़्यादा वर्ड। 2019 की ये अंतिम क्लास थी, कल से आपका 2020 आएगा और 2020 की क्लासेस आपको कल से मिलेंगी। इस साल जो लोग भी, जब भी मेरे साथ जुड़े, जो भी फील किया, जो भी सजेशन 2020 में देना चाहते हो कि सर इस चीज़ में इम्प्रूव कर लीजिए, इस चीज़ में सुधार कर लीजिए, अगर ये चीज़ अपने अंदर ऐड कर लो तो आप ये कर सकते हो, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। आपके सजेशंस को हम 100% अप्लाई करेंगे और जो भी कमियां रह गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2019 में 2020 में एक नई एनर्जी, नए जोश जुनून जज्बे के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और आप भी जुड़ने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।